आज की छोटी सी बात। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही पर्याप्त है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आपका प्यार हमें आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के माध्यम से भरपूर मिल रहा है। इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए, क्योंकि आपके ये लाइक्स और शेयर्स ही हमें रोज़ाना आपके लिए इस तरह मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे जज्बे को बुलंद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, किसी जंगल के बीचों बीच एक गुरुकुल हुआ करता था। यहाँ बहुत सारे बालक विद्या ग्रहण करने के लिए आया करते थे। एक बार गुरुकुल में एक ऐसा विद्यार्थी आया जिसे गुरुजी ने बहुत बार एक ही पाठ पढ़ा दिया था, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। गुरुजी उस विद्यार्थी से बहुत परेशान हो गए थे। अब उन्होंने उस विद्यार्थी को घर वापस भेजने के लिए एक युक्ति सोची। एक दिन गुरुजी ने उस मंदबुद्धि विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और उसे अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। विद्यार्थी की हथेली देखकर उन्होंने कहा कि पुत्र, इस आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ ना करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। विद्यार्थी ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुवर? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो गुरुजी ने किसी दूसरे विद्यार्थी का हाथ उसको दिखाते हुए समझाया कि देखो, यह वाली रेखा विद्या की होती है, विधाता ने इसे तुम्हारे हाथ में नहीं दिया है, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने घर वापस चले जाओ और अपने लिए कुछ और काम ढूंढ लो। गुरुजी की यह बातें सुनकर उस विद्यार्थी का मन बहुत विचलित हो गया। उसने मन में सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, और कुछ देर अकेले में समय बिताने के बाद जब वह गुरुजी के पास वापस पहुंचा तो उसका हाथ लहूलुहान हो चुका था। गुरुजी उसका हाथ देखकर बोले कि बेटा, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हो गया? तो उस विद्यार्थी ने उन्हें बताया कि गुरुजी, मैंने भी अपने हाथ पर विद्या की लकीर बना दी है। गुरुजी यह देखकर अचंभित रह गए कि उस विद्यार्थी ने एक तेज धार हथियार से अपने हाथ पर उसी स्थान पर ठीक वैसी ही एक लकीर बना दी थी। यह देखकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उससे बोले कि पुत्र, तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हारे अंदर जो दृढ़ निश्चय और संकल्प है, वह हाथ की रेखाओं को भी बदल देता है। जानते हैं दोस्तों कि वह विद्यार्थी कौन था? यही बाद में महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्र की रचना की। आज इतनी सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन विश्व की किसी भी भाषा में आज तक इतना उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ कोई नहीं बन पाया है। दोस्तों, महर्षि पाणिनि के बचपन की इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब लोग आपको आपकी कमी बताते हैं, तो यदि आप दृढ़ संकल्प से और लगन से आगे बढ़ते हैं और लोगों को गलत साबित करके दिखाते हैं, तो आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। ठीक उस प्रकार जैसे महर्षि पाणिनि ने अपने गुरुजी की बातों को दिल पर लगाया, लेकिन इस तरह से कि एक दिन दृढ़ संकल्प से और अपने परिश्रम से वे इतने महान लेखक बन गए। और उन्होंने इस कहावत को सत्य कर दिखाया कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर उस लक्ष्य के प्रति एकमात्र समर्पित भाव होना बहुत आवश्यक है, तब आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। कहते हैं ना कि सोच में आसमान और दिल में उड़ने की उम्मीद होनी चाहिए, यदि गिर जाएं तो वापस उठकर चलने का जज्बा होना चाहिए। पंख फैलाकर तो देखो, उड़ने की कला भी सीख जाओगे।
मुड़कर ना देखो पीछे, कदम आगे और जहन में मंजिल होनी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।